ब्रिटेन के आम चुनाव में लेबर पार्टी की आंधी दिख रही है। चुनाव नतीजों में लेबर पार्टी 400 से ज्यादा सीटें जीत चुकी है। अब तक के नतीजों में ब्रिटेन की जनता सत्ता में बड़ा बदलाव करती दिख रही है। चुनावों में पीएम ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी की करारी हार हुई। आम चुनाव में लेबर पार्टी को भारी बहुमत से जीत मिली। पीएम ऋषि सुनक ने कंजर्वेटिव पार्टी की करार हुई है। सुनक ने भी कीर को बधाई देते हुए अपनी हार मान ली। लेबर पार्टी अब तक 410 सीटें जीत चुकी है और कंजर्वेटिव पार्टी केवल 18 सीटें जीती। बहुमत के लिए कुल 650 सीटों में से 326 सीटें चाहिए होती हैं। कंजर्वेटिव पार्टी की मंत्री पैनी मॉडेट अपनी संसदीय सीट हारी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री ग्रॉट चैप्स अपनी सीट हार गए हैं। ग्रॉट अब तक हारने वाले सबसे वरिष्ठ कंजर्वेटिव कैबिनेट सदस्य बन गए हैं। शैप्स को लेबर के एंड्रयू लेविन ने दक्षिणी इंग्लैंड के वेलविन हैटफील्ड निर्वाचन क्षेत्र से हराया, जिस पर उन्होंने लगभग 2 दशकों तक कब्जा किया था। लेविन को 19,887 वोट मिले, जबकि शैप्स को 16,078 वोट मिले। ग्रीन पार्टी ने अपनी पहली जीत हासिल कर ली है। कार्ली डेनियर ने ब्रिस्टल सेंट्रल की सीट पर जीत का दावा किया है, जिससे लेबर पार्टी को बड़ा झटका लगा। डेनियर ने 24,539 वोट हासिल किए, जो लेबर के उम्मीदवार और शेडो फ्रंट बेंचर थमगम डेबोनेयर से निर्णायक रूप से आगे निकल गए, जिन्हें केवल 14,132 वोट मिले। वहीं लेबर पार्टी के नेता और ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बनने की राह पर चल रहे कीर स्टार्मर ने मतदाताओं को धन्यवाद देते हुए कहा कि देश के लोग बदलाव के लिए तैयार हैं। हॉलबॉर्न और सेंट पैनक्रॉस से जीतने के बाद अपने विजय भाषण में 81 वर्षीय स्टार्मर ने कहा कि चाहे लोगों ने उन्हें वोट दिया हो या नहीं, मैं इस निर्वाचन क्षेत्र के हर व्यक्ति की सेवा करूंगा। कीर स्टार्मर ने 18,884 वोटों के साथ जीत हासिल की है। दूसरे स्थान पर निर्दलीय फलस्तीन समर्थक कार्यकर्ता एंड्रयू फिनस्टीन रहे। हालांकि स्टार्मर का बहुमत का आंकड़ा 2019 में 22,776 से काफ़ी कम होकर 11,572 रह गया। ज़्यादातर समय सही साबित होने वाले एग्जिट पोल के मुताबिक लेबर पार्टी 410 सीटें जीत सकती है, जो बहुमत के 326 के आंकड़े से कहीं अधिक है। जबकि प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के नेतृत्व वाली कंजर्वेटिव पार्टी सिर्फ 131 सीटों पर सिमट सकती है। ब्रिटेन के हाउस ऑफ कॉमन्स में कुल 650 सीटें हैं और बहुमत का आंकड़ा 326 का है।